ओके नाउ लिसन, इसमें और कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस 200, बताओ इसकी दो इफेक्ट्स। बहुत इजी है, प्रीपेड इंश्योरेंस 200, दो इफेक्ट्स। इंश्योरेंस में से माइनस और असेट्स। वेरी गुड, इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस, तो यहां पर मैं लिख दूं प्रीपेड, और दूसरा इसका इफेक्ट होगा बैलेंस शीट असेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। जय विड्रॉन गुड्स ऑफ 2000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। अब सुनो, पर्सनल यूज की वजह से अगर पार्टनर्स गुड्स विड्रॉ करके जाए तो उसके दो इफेक्ट्स, एक तो परचेज में से माइनस करते हैं, और दूसरा ये पर्सनल यूज के लिए ले गया तो ये ड्रॉइंग्स होगा। अब यहां पर हम ड्रॉइंग्स कहां लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, बट हमने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है, कैपिटल अकाउंट की जगह क्या बनाया है, करंट अकाउंट। तो ड्रॉइंग्स हम कहां लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड नहीं लिखेंगे, करंट अकाउंट की डेबिट साइड लिखेंगे। सी, जब आप करंट अकाउंट प्रिपेयर करो ना, तो वो सारे इफेक्ट्स जो कैपिटल अकाउंट में लिखते हो, दैट इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट आपको कहां रिकॉर्ड करने हैं, करंट अकाउंट। तो इसका एक इफेक्ट मैं कहा लिखूंगा, करंट अकाउंट की डेबिट साइड, बिकॉज ये तरह का ड्रॉइंग है। फिर परचेज में से माइनस करते हैं, बिकॉज पर्सनल यूज के लिए कोई भी रीजन से गुड्स जाए बिजनेस में, डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो, पर्सनल यूज के लिए हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए हो, तो परचेज में से माइनस करते हैं। अब यहां पर परचेज तो है ही नहीं, तो मैं परचेज में से माइनस कैसे करूंगा, बोलो कहां लिखूंगा। ऐसा इलेवेंथ में भी था एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट, रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्यों? अगर परचेज होता तो परचेज में से मैं माइनस करता, बट एज वी नो परचेज डेबिट साइड होता है। अब जो अकाउंट डेबिट साइड माइनस होता है वो एक्चुअल में आप डेबिट नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, तो माइनस करने का अकाउंट ही नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ उसको मैं डेबिट साइड माइनस करने की जगह मैं कहां लिख दूंगा, क्रेडिट साइड। तो देखो यहां पर लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कितने के गुड्स विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज के लिए, 4,000। और बिकॉज दिस इज वन टाइप ऑफ ड्रॉइंग, दूसरा इफेक्ट लिखूंगा करंट अकाउंट की डेबिट साइड, यहां लिखूंगा ड्रॉइंग्स और ब्रैकेट में लिख देना गुड्स। अब गुड्स कितने, किसने विड्रॉ किए हैं, जय के विजय, जय जय, क्लियर हुआ बेटा ये एडजस्टमेंट सबको? नाउ नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 4000 परचेस्ड ऑन क्रेडिट ऑन 28/3/2017 व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, गुड्स हमने परचेस किए, रिकॉर्ड करना अभी भी बाकी है। दिस इज वन टाइप ऑफ अनरिकॉर्डेड परचेस। बोलो इसके दो इफेक्ट्स अनरिकॉर्डेड परचेस। परचेज अकाउंट में प्लस करते हैं, परचेज नहीं है तो प्लस करने वाला अकाउंट तो अलग से हम लिख सकते हैं, और दूसरा क्रेडिटर्स में प्लस। परचेज होता तो परचेज में प्लस करता, नहीं है तो मैं अलग से लिख देता हूँ, रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड।
अनरिकॉर्डेड परचेज। देखो प्लस वाले अकाउंट की साइड चेंज नहीं करते, जो अकाउंट माइनस हो जाए उसका साइड चेंज करते हैं, और दूसरा होगा क्रेडिटर्स में प्लस। Okay, then next, write off 400 as bad debts and provide 5% on bad debt reserve. अब bad debts का adjustment always last में करना है, इसलिए अभी नहीं कर रहा हूँ। Fifth वाला adjustment, there is no need of discount reserve on debtor. अब ध्यान दो, जैसा हम bad debts का format बनाते हैं ना TAT, वैसे discount का भी format बनाते थे last year. किसी को याद है तो मुझे बताओ वो format कैसा होता था? TAT. देखो उसमें ऐसा होता था, डिस्काउंट ऑफ ट्रायल बैलेंस प्लस डिस्काउंट रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट माइनस डिस्काउंट रिजर्व ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये फॉर्मेट हम बनाते थे। यहां पर मैंने आपको नहीं बनवाया, क्यों नहीं बनवाया समझाता हूं। देखो ये फिफ्थ एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो नीड ऑफ डिस्काउंट रिजर्व ऑफ डेटर। अब डिस्काउंट रिजर्व है ना एक तरह का एक्सपेक्टेड एक्सपेंस बोल सकते हो आप, या एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड लॉस बोल सकते हो। अगर मान लो ट्रायल बैलेंस में भी डिस्काउंट रिजर्व होता, एडजस्टमेंट में भी डिस्काउंट रिजर्व होता, तो वो फॉर्मेट बना देता मैं, और ट्रायल बैलेंस का अमाउंट ट्रायल वो टी में लिख देता और एडजस्टमेंट का ई में लिख देता। यहां पर क्या लिखा है, देयर इज नो नीड ऑफ डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर, मतलब आपको डिस्काउंट रिजर्व रखने की जरूरत ही नहीं है, ना ट्रायल बैलेंस का रखना है, एडजस्टमेंट का तो है ही नहीं। तो जब भी ऐसा एडजस्टमेंट हो, क्या लिखा हो कि देयर इज नो नीड ऑफ डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर, ये सेम एडजस्टमेंट बैड डेट रिजर्व के लिए भी हो सकता है। तो याद रखना उसका इफेक्ट, व्हेन दिस इज रिटन देयर इज नो नीड टू कीप डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर, तो जो ट्रायल बैलेंस का डिस्काउंट रिजर्व है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड लिखना है। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड लिखना है, बिकॉज डिस्काउंट रिजर्व ना एक तरह का खर्चा है। अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि आपने खर्चा रिकॉर्ड किया था लेकिन अभी वो खर्चा होने ही नहीं वाला है, लॉजिकली सोचना, अगर कोई खर्चा होने वाला हो तो खर्चे कहाँ लिखते हैं, एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर बाद में हमें पता चला कि ऐसा एक्सपेंस तो होगा ही नहीं, तो वो जो एक्सपेंस हमने लिखा है उसकी इफेक्ट को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो जब एक्सपेंस समझ के लिखा था हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा होगा, अभी वो एक्सपेंस को रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। तो ज्यादा कुछ सोचे बिना जो ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट रिजर्व लिखा हुआ है, देखो ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट रिजर्व है यहाँ पर, ये रहा डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स 380, तो ये 380 आपको कहाँ लिख देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, सिंगल इफेक्ट, इसलिए मैंने उस टाइम पर आपको लिखवाया नहीं था। लिख दो बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अगर एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस दोनों में होता ना तो फिर वो टैट वाला फॉर्मेट बना देते, टैट वाला, वैसा भी आएगा आगे एडजस्टमेंट। ओके, देन प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, पुरानी बुक वालों में प्लांट एंड मशीन लिखा होगा तो वो करेक्ट कर लेना, 20% depreciation on machine and 5% on furnitures and fitting. तो देखो मशीन का depreciation 20%, मशीन में से माइनस 20% कितना होगा 4000, और फर्नीचर का depreciation है 5%, तो
तो 5000 का 5% होगा 250। अब सुनो, ये जो मशीन है ना वो ऑफिस का मशीन है, फैक्ट्री का मशीन नहीं है। पुरानी टेक्स्ट बुक में प्लांट एंड मशीन लिखा था तो वो गलत था, मशीन के ब्रैकेट में ऑफिस लिखा हुआ है, मतलब ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, ये ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है। और अगर ऑफिस से रिलेटेड कोई एक्सपेंस हो तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। वो जो प्लांट एंड मशीन था ना वो गलत था। अगर ये प्लांट एंड मशीन का डेप्रिसिएशन होता ना तो प्लांट फैक्ट्री का होता है, तो फिर ये डेप्रिसिएशन में प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखता, मैं ट्रेडिंग अकाउंट में लिखता। बट वो इनकरेक्ट था, यहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है मशीन ऑफिस का है, तो ऑफिस का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, ना ही के ट्रेडिंग अकाउंट में। और फर्नीचर भी ऑफिस का ही है, तो वो ये दोनों डेप्रिसिएशन का आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, मशीन का 4000, फर्नीचर का 250। टोटल मिला के 4250 लिख दो बेटा फटाफट। और अभी एक एडजस्टमेंट जो हमने बाकी रखा था, बैड डेट्स और बैड डेट रिजर्व का, फोर्थ वाला राइट ऑफ 400 एज बैड डेट्स। तो डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस कर रहे हैं 400, तो डेटर्स में से माइनस कर दू, पहले बैड डेट्स माइनस करूं, तो ये हो जाएगा 18,000। और फिर उसमें से माइनस करूं बैड डेट रिजर्व, बैड डेट रिजर्व कितने परसेंटेज है, 5%। तो 18,000 का 5% 900। और ये दोनों की सेकेंड इफेक्ट वो टाट में, बैड डेट्स ऑफ एडजस्टमेंट एंड बैड डेट रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट, 400 एंड 900। लिख दो बेटा सब लोग। यस बेटा, किसी को कोई डाउट है कोई भी एडजस्टमेंट में, एक बार चेक कर लो। है बेटा किसी को कोई भी डाउट कोई भी एडजस्टमेंट में, एनी डाउट टू एनीवन? नो सर। आप लोग बेटा अकाउंट्स खुद से क्लोज कर लोगे टोटल? हाँ बोलो सर। रिजल्ट वाला सिखाओ ना फिर से एक बार। कौन सा बेटा? विजय स्लोन। विजय स्लोन, तो देखो लोन में है ना बेटा, इसका रूल है कि अगर कोई लोन, देखो यहाँ पर ये विजय का लोन है, ब्रैकेट में डेट लिखा हुआ है, हमें एक्चुअली ना इसका इंटरेस्ट फाइंड करना है, बट ये इंटरेस्ट का रेट लिखा हुआ नहीं है। तो एक रूल है पार्टनरशिप एक्ट का, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो भी कौन सा लोन, लोन ऑब्टेंड बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर, वो लोन जो फर्म ने पार्टनर से लिया है, तो उस पर बाय डिफॉल्ट 6% इंटरेस्ट काउंट करते हैं। तो इसलिए देखो मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन 6% काउंट किया है। देखो टोटल लोन कितना है 30,000 का, ये 6/100 मतलब मैंने कितना परसेंटेज काउंट किया, 6%, और डेट के हिसाब से 6 महीने, सॉल्व करो तो 900 आएगा। पता चला? यस मन भाई पता चला?
पूछता है फिर मैं बोलता हूँ पता चला तो बोलता भी नहीं पता चला सर। यस और बेटा किसी को कोई डाउट? सर आपने कहा कि फाइनेंशियल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकॉर्ड करेंगे हम पीएनएल अकाउंट में, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन विजय लोन, तो उसके बोलो एक्सपेंसेस। बेटा आपका आवाज कट गया बीच में, फिर से बोलो। सर ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आपने कहा ना कि रिकॉर्ड करते पीएनएल अकाउंट में, जैसे कि ये इंटरेस्ट ऑन विजय लोन है, तो ऐसे दूसरे कौन से फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आते हैं? लिसन आप इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, फाइनेंशियल एक्सपेंस तो कोई भी इंटरेस्ट फाइनेंशियल एक्सपेंस ही होगा। अगर बैंक में से लोन लिया है तो वो भी फाइनेंशियल एक्सपेंस होगा। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, नॉर्मली कोई भी एक्सपेंस जो पार्टनर को पे करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लिखते हैं, बट दिस इज एक्सेप्शनल एक्सपेंस। अब ये एक्सेप्शनल ऐसा है कि 3 साल पहले ये टेक्स बुक चेंज हुआ तभी ये रूल चेंज हुआ। इनफैक्ट पहले जब मैं पढ़ाता था ना तो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ही लिखते थे। बट क्या होता है कि ये एक्ट जो है ना वो चेंज होते रहते, अमेंडमेंट आता रहता है, तो जो नया रूल आया उसके हिसाब से इंटरेस्ट का लोन चाहे फिर वो पार्टनर का हो, बाहर का तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखते हैं, बट पार्टनर की लोन का इंटरेस्ट भी कहाँ लिखने का प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज अ बैड रूल, इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं फाइंड करो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो फाइनेंशियल एक्सपेंस, बट स्टिल हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। गॉट इट? या और किसी को बेटा कोई डाउट? ओके सो शैल आई एंड दिस मीटिंग? यस ओके यस सर। और लिसन बेटा हाँ वीडियो में सेंड कर दूंगा मैं ना 12 बजे के बाद करूंगा, बट मैं कर दूंगा आज के दिन में, डोंट वरी। यस सर। बेटा मैंने वो जो टेस्ट पहले की भी भेज देना, पहले का कौन सा, वो फर्स्ट इलस्ट्रेशन का? हाँ हाँ बेटा वो तो इजी था और उसमें 3 अलग अलग वीडियो में वो डिवाइडेड है, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया था। ठीक है फिर भी मैं लैब में ज्वाइन कर रहा हूं तो अल्टीमेट। बेटा आवाज नहीं आया आपका। ये 11th वाले भी 12th में ज्वाइन कर देते हैं, वो गलती से किया होगा। चलो बाय।